खुश है, यानी खुश है, पूरा मानसूर खुश है, ऐसी शख्सियत को आप सबके बीच में बुलवाना चाहूंगा। जोरदार तालियां से साथ का स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए श्रीमान जी की हस्ती का। आरसीआई स्कूल में जो सर एमिले जी और पूरा स्कूल प्रबंधन का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस सम्मान के योग्य समझा कि मैं आऊँ और बच्चों को सम्मानित करूँ। वैसे आप सब जानते हैं कि पुलिस ऐसे तो स्वागत नहीं करती। मेरा भी ये लगभग पहला दूसरा अनुभव है कि मैं पिछले 3 साल में स्वागत ऐसे कर रहा हूँ, बाकी हम स्वागत अलग स्टाइल में करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप में से किसी को मौका नहीं मिले कि हमारे स्वागत से आप परिचित हों। और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप लोगों की यहाँ का माहौल और बेहतर हो और अच्छा हो। परिस्थितियाँ कैसी थी और आप कैसे हैं आप सब और हम सब अच्छे से जानते हैं। तो बच्चों के लिए मैं कुछ बात करना चाहूंगा आज थोड़ी सी। बच्चों पुलिस कैसी होती है, बच्चे बताएंगे पुलिस कैसी होती है? बताओ, डर लगता है क्या पुलिस का? इसका आप देखो, आप ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि पुलिस कैसी होती है कि बच्चे अभी भी बोल नहीं पा रहे हैं कि पुलिस कैसी है। और यही अपने आप में जवाब है कि पुलिस की छवि अभी भी हमारे सबके मन में कैसे है। मैं प्रयास कर रहा हूँ इस छवि से लड़ने का, मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के मन में जो डर है उसे पुलिस के प्रति दूर करने का। मैं प्रयास कर रहा हूँ एक चीज के लिए, जो हर थाने और हर पुलिस के ऑफिस के बाहर लिखा होता है, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज को अच्छे से लागू करने की और पालन करने की, और मुझे लगता है कि मैं इस कोशिश में कुछ हद तक सफल होता हूँ। जब 25 किलोमीटर दूर से गांव की महिलाएं एक गाड़ी करके आती हैं किराए पर संडे के दिन और 11:30 बजे आगे मुझसे बोलती हैं, मैंने उनसे सुबह फोन आया 9 बजे कि सर हमें आपसे मिलना है, मतलब उन्होंने यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात की गांव की महिलाओं ने, और तो मैंने कहा माता जी आज तो रविवार से फिर काल आ जाओ। तो बोले नहीं, बोले मैं तो किराए की गाड़ी कर लिया, पैसा भी दे दिया हमने, बोले अब तो मैं रवाना हो रहा चंडे से। और 25 किलोमीटर दूर से वो महिलाएं आती हैं और संडे के दिन ऑफिस खुला होता है और वो अपनी पीड़ा रखती है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में विश्वास होगा, तभी तो 25 किलोमीटर दूर से आई है कि पुलिस कुछ तो करेगी मेरे लिए। जब सड़क पे, आपको मैं छोटी छोटी घटनाएं बताता हूँ केवल, जब सड़क पे मैं रात को जाता हूँ तो एक 10 साल का लड़का मुझे आकर रोक लेता है कि सर मेरे पिताजी रोज दारू पीते हैं और मेरी मम्मी को मारते हैं, आप प्लीज कुछ करो। तो ये उनके मन में विश्वास है पुलिस के लिए। मैं ये चाहता हूं कि ये विश्वास आपके मन में भी आए, सबके मन में पुलिस के लिए। खैर पुलिस की बातें और चलती रहेंगी, मैं आपसे एक तो छोटी छोटी बात और कर लेता हूं। एक बार अपन कुछ एक कहानी पे चलते हैं, छोटी सी कहानी है। लगभग 100 ईयर्स बैक, 100 वर्ष पहले, चलो एक बार बताऊ ये जंगल मन किसने लिखा है? बच्चे बताएंगे, बच्चे ये तो बता दो किसने किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। आप सबको ध्यान, रविंद्रनाथ टैगोर एक बार अपने कमरे में बैठे हुए थे और वो कुछ लिख रहे थे बैठे हुए। जब अपन लिखते हैं तो अपन सबकी जो दृष्टि है, अपना जो सबका विजन है, वो अपनी कॉपी की ओर होता है। अपन जब लिखते हैं तो वो लिखे जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा आया उनके पास और बच्चे ने नॉक किया और पूछा, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं कमिंग सर। तो जनरली क्या होता है उस समय पर अपन गर्दन उठा के देखते हैं कि कौन आया है और फिर अपन उससे बात करते हैं। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी गर्दन ऊपर नहीं की, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी गर्दन बिल्कुल नीचे रखी। उसने दूसरी बार नॉक किया और फिर कहा कि सर मैं कमिंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रविंद्रनाथ टैगोर ने इस बार भी ऊपर नहीं देखा। अब आप सोचो, एक बच्चा कहीं दूर गांव से
किसी से मिलने आया और ये सोचा कि यार मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे एक इसी प्रकार का आदमी बनना है, और जिस व्यक्ति का आप कमरा खटखटाते हैं वो व्यक्ति आपको ऊपर पलट के भी नहीं देखता, तो उस बच्चे के मन पर क्या बीती होगी। तीसरी बार फिर वो बच्चा नॉक करता है सर, और रविन्द्रनाथ टैगोर अपने लिखते हुए, और फिर तीसरी बार में वो अपनी गर्दन ऊपर नहीं करते, वो नीचे ही गर्दन करते हुए लिखते हुए बोलते हैं, हाँ बताओ किस काम से आए। मतलब उन्होंने उस बच्चे को नहीं देखा, उन्होंने देखा ही नहीं कौन आया है क्या, उन्होंने केवल सीधा से हाँ बताओ किस काम से आए। अब वो बच्चा क्या बोल रहा, बच्चे ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, और वो जवाब आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे ने उसे जवाब, उन्हें जवाब दिया कि सर मैं आप में अपना भविष्य देखने आया हूं, और यदि आप अपना अतीत देखना चाहते हैं, अपना पास्ट देखना चाहते हैं, तो आप अपनी गर्दन उठाकर देख सकते हैं। ये वो जवाब था जिसने रविंद्रनाथ टैगोर को मजबूर कर दिया कि वो ऊपर देख। ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था, भारत की संविधान सभा में सर्वाधिक योग्य लोगों में एक दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध कवि ई कृष्णाचार्य थे, जिन्होंने बाद में संविधान को लिखने में हेल्प की। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ सुनील सर बैठे हुए हैं, रविंद्रनाथ सर बैठे हुए हैं, और एक्चुअली हम लोग तो ठीक है पढ़ के, हमें विजय सर बैठे हैं जिन्होंने यहीं से मेहनत की और आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, तो आप सबका भविष्य यहाँ बैठा हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। मैं तो आप लोगों में अपना अतीत देख ही रहा हूं यहाँ बैठकर, और आप लोग जैसे सोचें कि नहीं यार सुनील जी ने मेहनत की और पता नहीं बन गए होंगे, किस्मत अच्छी होगी, लकी रहे होंगे सुनील जी, सब यही बोलते हैं यार लकी है सुनील जी, यार दीनानाथ जी लकी है, इस दिन बन गए, यार विजय जी की किस्मत कितनी अच्छी है, इतना बड़ा स्कूल चला रहे हैं। तो सब लोग ये सोचते हैं कि ये जो लकी शब्द है ना, इसकी व्याख्या करनी है बस दो तीन मिनट में, ये लकी शब्द क्या है। 1968 में मेक्सिको में ओलंपिक हो रहे थे, तो एक व्यक्ति तैरने आया, ओलंपिक आपको पता है ना दुनिया का सबसे बड़ा खेल टूर्नामेंट होता है, तो उस व्यक्ति ने वहां स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया और वो तैरा, तैरकर उसने एक गोल्ड मेडल हासिल किया, कितना गोल्ड मेडल, एक, और एक गोल्ड मेडल अपने भारत में किसी को मिल जाता तो आपको पता है अभी तक एक अभिनव बिंद्रा को मिला हुआ है, तो और देख लो आप इतने साल के इतिहास में गोल्ड मेडल मिला पाए अपन इंडिविजुअल स्पर्धाओं में, उसको 1968 में गोल्ड मेडल मिला, तो वो बहुत दुखी हुआ। लोगों ने कहा कि अरे एक आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, दुनिया का सबसे बड़ा आपने टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता, आपको तो खुश होना चाहिए, तो उसने बात नहीं की किसी से और वो चुपचाप चला गया गोल्ड मेडल लेकर। उसके मन में ये बात हमेशा रही कि यार मैंने इतनी तैयारी की, इतनी मेहनत की, अपने मन में होती है ना कि यार मैं तैयारी करके गई थी आज तो फिर मेरे यार टेस्ट में नंबर कम आए, मैं तो अच्छे से एग्जाम लेके बहुत मेहनत करके गया था लेकिन मेरे हाफ ईयरलीज में यार नंबर कम आए, अपने मन में भी होती है, सबके मन में होती है कई बार कि हम तो अच्छी तैयारी से गए फिर भी हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। तो उसने गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी उसके मन में संशय बना रहा कि यार मैंने तो तैयारी बहुत अच्छी की थी लेकिन मेरे तो एक गोल्ड मेडल मिला तो ये तो मतलब गड़बड़। चार साल ओलंपिक कितने साल में होते, चार साल में एक बार होते ओलंपिक, 1972 म्यूनिख ओलंपिक, ओलंपिक वापस गए। वो व्यक्ति जो चार साल से लोगों की नजरों में नहीं था फिर म्यूनिख ओलंपिक में स्विमिंग पूल के किनारे खड़ा नजर आया तो लोगों ने देखा ये तो वही प्रसिद्ध तैराक है जिसको पिछली बार एक गोल्ड मेडल मिला था। म्यूनिख ओलंपिक में उस तैराक ने 6 गोल्ड मेडल हासिल किए, तालियों की बात ये नहीं है, 6 गोल्ड मेडल हासिल किए। जब 6 गोल्ड मेडल हासिल किए तो जैसे आपको यहाँ बुलाकर सम्मान मिल रहा है ना वैसे ही वो खड़ा करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो गोल्ड मेडल वाले को बीच में खड़ा करते हैं, तो उसको खड़ा कर रहा था। तो कोई पत्रकार बंधु आया, पत्रकार बंधु ने कहा कि सर आप तो बहुत लकी हैं जिसने ओलंपिक के इतिहास को बदल दिया,
कि पहली बार किसी ने अकेले में 6 गोल्ड मेडल जीत लिए, तो जैसे ही उसने लकी शब्द सुना उसका दिमाग खराब। बोले लकी क्या होता है? बोले तुम जानते हो लकी क्या है? बोले मैं पिछले 4 साल से 10,000 घंटे पानी में तैर रहा हूं। 10,000 घंटे का मतलब जब आप डिवाइड करोगे तो 1 साल के 2,500 घंटे, और 1 दिन के जब आप नोट करोगे तो 7 से 8 घंटे तैरना लगातार आता है। जो स्विमिंग करना जानते हैं वो जानते हैं 7-8 मिनट लगातार तैरना क्या होता है। तो 7 से 8 घंटे तैरना कितनी बड़ी चीज है। लोग ये तो देख रहे हैं कि ये बच्चे यहाँ पर कोर्स कार्ड लेके जा रहे हैं, यार वो छोड़ दो लकी जगह डॉक्टरी में होमवर्क करो, बाकी छोड़ी तो किस्मत वाली से यार उनको होमवर्क में इंजीनियरिंग में, ये तो बहुत आसानी से निकल जाती है। लेकिन हम उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, रात को 12 बजे तक चल के पढ़ रहा है, इतनी मेहनत के बाद आप रूट में जा रहे हो 20-20 किलोमीटर तक बस से जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, सालों तक ये रूटीन फॉलो कर रहे हो, उसके बाद सफलता मिली है। आज कोई बीजेपी को मिले तो देखेगा तो सही कि इतना बड़ा स्कूल है यार, इतना किस्मत वाला आदमी है। लेकिन पिछले 15 साल में इस आदमी से पूछो कितना पसीना बहाया, कितनी मेहनत की, तब जाके आज इस लक्ष्य तक पहुंचे हैं। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब वो 1972 में 6 गोल्ड मेडल मिल गए तो दुनिया को ये लगा कि ये इतिहास कभी नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे आप नहीं बन सकते या कोई और नहीं बन सकता, या हम आज बन गए तो आप नहीं बन सकते, सुनील सर बन गए तो कोई और नहीं बन सकता, दीनानाथ सर बन गए तो कोई और नहीं बन सकता, आप सब बन सकते हैं। हिस्ट्री हमेशा आप ये याद रखना अपने आप को दोहराती है, और लोग जो मेहनत करते हैं उस रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। 1972 के बाद 36 साल 36 ईयर्स दुनिया ने इंतजार किया एक रिकॉर्ड का। 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुए, और बीजिंग ओलंपिक में एक लड़का पतला सा बिल्कुल खड़ा हुआ, और उस लड़के को कहते हैं कि बीमारी थी गई, वो मतलब कभी भी बढ़ जाता था, और कुछ मेरे को नाम ध्यान नहीं है उस बुलाई की बीमारी का, लेकिन कुछ बुलाई उससे बीमारी जरूर थी। तो जब वो लड़का स्विमिंग के लिए खड़ा हुआ तो एक बार एक पैर से फोटो, और उसने नोटिस नहीं किया। जब उसी बीजिंग ओलंपिक का रिजल्ट आया तो बीजिंग ओलंपिक में उस व्यक्ति ने 36 साल पुराना दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ा, और उसने 7 गोल्ड मेडल हासिल। मेहनत के बल पर दुनिया का इतिहास बदलता भी है और बदला भी जाता है। कहानी से आगे की है जो रोचक है। 2008 में जब वो बीजिंग ओलंपिक चल रहा था तो जब उसने गोल्ड मेडल हासिल कर लिए तो एक छोटा सा बच्चा आया उसके पास में, जैसे आप लोगों ने कोई आगे कहे कि सर मुझे फोटो खिंचानी है आपके सामने, तो वो बच्चा आया और उसने यूं करके कहा सर प्लीज एक फोटो। तो जिसने 6-7 गोल्ड मेडल जीते उसने एक फोटो खिंचाई उसके साथ। वो फोटो 8 साल तक दुनिया में दबी रही, वो फोटो कभी निकल कर नहीं आई सामने। 8 साल बाद ब्राजील में ओलंपिक हुए, और उसमें आपको नाम बताता 1968 और 1972 वाला जो आदमी था उसका नाम तो था मार्क स्पिंस, और 2008 में जिसने उस रिकॉर्ड को तोड़ा 36 साल बाद मेहनत करके वो था माइकल फिलिप्स। तो माइकल फिलिप्स के बगल में किसी बच्चे ने जो फोटो दिखाई थी वो 8 साल तक कभी सामने नहीं आई। 2016 में भाई हम लोगों का सर रिजल्ट ही आया था तो हम तैयारी कर ही रहे थे उस टाइम तक, अखबार तो पढ़ते रहते थे, तो एक फोटो आई बहुत बड़ी सी, उसमें वो 8 साल पुरानी फोटो थी 2008 की, कि माइकल फिलिप्स के बगल में एक बच्चा खड़ा हुआ है छोटा सा, उसका नाम स्कूलिंग करके था, सिंगापुर का वो बच्चा था, स्कूलिंग करके उस बच्चे का नाम था। तो मैंने मेरे मन में सोचा कि ये माइकल फिलिप्स के सामने इस बच्चे की फोटो क्यों शेयर किया। तो आपको मैं याद बताता हूँ, देखो उस बच्चे ने जो फोटो उस समय की थी उसने अपने घर ले जाकर रख ली, और उसने उसको एक फ्रेम में कन्वर्ट करा दिया, और बस उस फोटो को देखता रहता और मेहनत करता रहता। उस बच्चे ने स्विमिंग को कॉम्पिटिशन चुना। 2016 में जब ब्राजील में ओलंपिक हुए तो उस ओलंपिक के उसी टूर्नामेंट में माइकल फिलिप्स के बगल में एक पतला सा लड़का और आगे खड़ा हो गया, वो लड़का वही लड़का था जो 2008 में फोटो खिंचा के गया था। माइकल फिलिप्स को उसने उस समय तक नहीं बताया कि सर मैंने आपसे 8 साल पहले फोटो खिंचाई थी, आपके साथ यही खड़े हो गए। टूर्नामेंट शुरू हुआ, तैराकी शुरू हुई, वो स्कूलिंग नाम का जो छोटा सा बच्चा था वो माइकल फिलिप्स से पता नहीं कब आगे निकल गया, उसको पता ही नहीं चला, और दुनिया का सबसे बड़ा तैराक को उसने उसी टूर्नामेंट में हराया जिस टूर्नामेंट में उसने फोटो खिंचाई। तो आप लोग सब ये ध्यान रखें कि
इतिहास कब बदल जाएगा, कब कौन सी फोटो किसके साथ होगी कोई नहीं जानता। आप लोग सबको मेहनत करनी है और मेहनत से आगे बढ़ना। हाँ, मैं आपको एक इतना जरूर अश्योर करता हूँ कि आपको इस पूरे मेहनत के दौरान जब जब आवश्यकता होगी, अगर और किसी समय भी बात करनी, और वैसे मेरा बच्चों से बात करने का विषय जिसने रखा है, क्योंकि सर मैंने है ना मोर देन 15,000 स्टूडेंट पढ़ाए हैं, मतलब मेरे यहाँ सिलेक्शन से पहले बराबर ना, तो बच्चों से मेरा स्नेह रहता है। मैं कोशिश करता हूँ कि पहुंच जाऊँ, नहीं पहुंच पाता हूँ व्यस्तता रहती है, और आपकी सबकी छोटी छोटी आंखें हैं, लेकिन छोटी आंखों से सपने छोटे नहीं हो जाते। ध्यान रखना, सपना बड़ा दिखिए और उसके पीछे उतनी मेहनत कीजिए। और मैं वापस आप सबका आभारी हूँ कि आप सबने मुझे बुलाया और इतनी देर गर्मी में सुना। थैंक यू सो मच।